कतार बनाएं और आप आसन पर चढ़ने की क्रिया करें। सुबह 7 बजे या 8 बजे हवन का कार्यक्रम होगा, जो आज कल आपने जो भी मंत्र किए हैं उसका दशांश हवन करवाऊंगा, और आज तक आपके जीवन में दशमा भी किया हो या सवाला गुरु मंत्र जप किया हो तो उसका हवन होगा। बाद में इन सभी का यही उग्र साधना है, इसकी शांति का मंत्र होगा। क्यों? कि हर आदमी को पछता नहीं है क्या कि मैं अगर गुलाब जामुन खिलाना भी चाहूं, शुगर बीमारी वाला गुलाब जामुन नहीं खाता और दूसरी बीमारियां वाला ज्यादा खा नहीं सकता, उसको पछता है या नहीं पछता है ये पहले देखना चाहिए। इसलिए सिद्धासन में पंचमुखी आसन पर बिठाने से पहले उसे पचा है या नहीं, नहीं तो वो है वो क्रिया करके ही यहाँ से भेजता हूँ और वह निरोगी काय को प्राप्त करे। वो कभी रोग को अपने पास लेकर ना चले, यह क्रिया करने के लिए उसका शरीर कायाकल्प करने के लिए एक शांति मंत्र है, उसके साथ दूध और दुर्वा की शांति मंत्र करते कल 12 बजे तक उस हवन का कार्यक्रम करवा दूंगा, पूर्ण आहुति होगी और उसके बाद शंका समाधान का कार्यक्रम। आप सब लोग योग के व्यक्तित्व के साथ पूर्ण सिद्धि यहाँ से लेकर जाए। मैं आपको ऐसी कोई साधना नहीं दिया हूँ, आप यंत्र लेकर घर में जाकर बैठे और साधना करें, मुझे पता आप नहीं करेंगे, ये मैंने निर्णय कर लिया। जो भी साधना होगी मेरे सामने होगी, जो भी सिद्धि होगी मेरे सामने होगी, असिद्धि होगी तो मेरे सामने होगी, क्योंकि आप घर जाकर करेंगे इसकी कोई कोई गारंटी नहीं। घर जाके गुरु मंत्र जप करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा उपकार है। गुरु जी हमने 7 लाख मंत्र जप किया है, छत्ती कम क्या आता है साहब, मैं क्या करूँ, उसकी दशांश आपूर्ति प्रदान करनी चाहिए, उसका दशांश तेरे को शुद्ध करने के लिए, तेरे को अच्छा करने के लिए मैंने वो मंत्र दिया है। तेरे शरीर से बुरे विचार निकल जाए, तेरे शरीर से बुराई निकल जाए, तेरे शरीर से बुरे रोग निकल जाए, इसके लिए मैंने वो साधना संपन्न करवाई है। ऐसी क्रिया अगर सफल मंत्र जप करने से होती है तो पंचमुखी आसन में चढ़ने के बाद तो आप भारत देश में ऐसे घूमेंगे जैसे मैं ही दुर्योधन हूँ या मैं ही कर्ण हूँ या मैं अर्जुन हूँ। इस बात की शांति करना बहुत जरूरी है और वो शांति करके आपको भेजता हूँ। योग्य गुरु अपने शिष्य को सामर्थ्य प्रदान करता है और असमर्थ शिष्य शिष्य नहीं कहलाता। हम जब तक का अगर आप देखते हैं तो उस समय उसकी स्थिति क्या ना हो, कोई केवल आए तो एक गुरु आया है तो केवल गुरु, और ऐसे गुरु के प्रति आप समर्पित हैं तो आपके साथ संसार खड़ा हुआ है, आपके ऊपर नहीं पर सारे देश पर भी कोई कष्ट नहीं आएगा। जब तक गुरुकुल परंपरा यहाँ चली, जब तक गुरुकुल परंपरा इस भारत में रही, चाणक्य चंद्र की जोड़ियां आ रही, स्वामी समर्थ रामदास शिव जी की जोड़ियां यहां तक गई, भारत को जीतने के बाद किसने कल्पना भी नहीं की। जब मैक्स मुलर ने कहा कि भारत को अगर जीतना है तो पहले यहाँ के गुरुकुल आयुर्वेद को खत्म करो, इसको यहाँ के आयुर्वेद को खत्म करो और यहाँ के गुरुकुलों को खत्म करो, एक बार गुरु को एक शिष्य को हम हजार लोग भी नहीं मार सकते, वो गुरु के प्रति इतना निष्ठावान होता है और गुरु भी श्रेष्ठ होता है। तो तब उन्होंने कहा कि पहले गुरुकुलों को नष्ट किया जाए। हमारे काशी में हमारे सारे मंत्र मंत्रों के गुरु पिछले 60 दिन जलाए गए थे, सारे विद्याओं को जला दिया गया था, और डलहौसी ने कहा था कि इस संसार में अगर भारत को जीतना है तो पहले मिशन स्कूल और मिशन हॉस्पिटल डालो। आज आप देखते हैं कि हमारे पूरे भारत में हमारी गुरुकुल परंपरा चलेगी, हमारी आयुर्वेदिक परंपरा चलेगी, जिसमें पीलिया रोग से लेकर छोटे छोटे रोगों को भी जानने निकालने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता था, केवल मंत्र के माध्यम से। आज भी बहुत सारे लोग पैसे देखते हैं, लाखों रुपए में डॉक्टर आपको 7 बार चीर भी दिया जाए तो आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन ऐसी विद्याएं हमारे पास है, एक बार भैरव या वेताल को क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो सारी बुराई को लेकर बाहर आ जाएगा, ये विद्या है। बहुत सारे लोग जानते हैं ऐसे गुरु भी है, ऐसे गुरु भी इस कार्य को कर सकते हैं। अगर हमारे में विद्याएं पहले थी तो केवल उन लोगों ने इस गुरुकुल परंपरा को खत्म किया, और परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का कथन था कि उस गुरुकुल परंपरा को शिष्य परंपरा को साधना परंपरा को फिर जीवित रखें और फिर इस भारत को स्वर्ण की सोने की चिड़िया बनाएं। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूं, उस महाकाली मंत्र को रात के 10 बजे दूंगा, और इससे पहले आज आप सभी को अभी तक तो मैंने साधना के बारे में बताया, आपने साधना संपन्न की, एक 5 माला मंत्र जप गुरु मंत्र जप करें, उसके बाद हम आज कुरिल का गुरु पूर्णिमा के दिन व्यास पूर्णिमा कहलाए जाते हैं, व्यास भगवान जितने भी संसार में गुरु हैं आज उन सभी गुरुओं का पूजन होता है। आज हमारे पितृ से इस कलयुग की परंपरा में हम उस व्यास महर्षि का जो हर गुरु के प्रति अपनी निष्ठा रखते हुए अपने व्यास पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध अपने गुरु के नाम पर उनके बर्थडे मनाते हुए केक कट करेंगे,
और उस केक कट करने के बाद उस केक कट करते समय जिस प्रकार के गुरु कृतित्व गीत गाए जाते हैं या उत्सव मनाया जाता है, मैंने हम गुरु पूर्णिमा दिव्य महोत्सव कहा गया। उस महोत्सव को 2 घंटे के लिए हमारे यहाँ जितने भी गायक आए हुए हैं और भंडारा के हो या नारायणपेट के हो या हमारे, मैंने हमारे दत्त भैया ने सतीश को कहा था कि सतीश तू ना, लेकिन वो शिष्य है, वो शिष्य है और शिष्य का कर्तव्य होता है वो निस्वार्थ रूप से अपने गुरु की सेवा करता है। मैंने कहा था सतीश बिना तेरे गाना सुने गुरु पूर्णिमा नहीं बंद होगी, मैं तेरा गाना जरूर सुनूंगा। और छत्तीसगढ़ से सतीश को भी मैंने याद लाया है, हमारे आश्रम की पल्लवी हो या सतीश हो या कोई हो, ये मेरे लिए, आप हजारों गायक भी आए हजारों लोग भी आए, लेकिन गुरु पूर्णिमा में बिना इनके गाने के कोई खाया भजन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए आप सभी को आशीर्वाद देता हुआ हम आगे 1-2 भजन सुनेंगे, उसके बाद गुरु पूर्णिमा का केक कट होगा, उसके बाद वह महाकाली महाकाल भैरव को दिया हूं तो महाकाली के मंत्र दूंगा जो केवल पंचमुखी आसन पर 50 बार उच्चारण करने से महाकाली प्रत्यक्ष होकर अपनी सहायता के लिए आएगी, जो सिद्धाश्रम में ही केवल मंत्र दिया जाता है, जिसको अमावस्या के दिन हो या गुरु पूर्णिमा के दिन हो गुरु के समक्ष अगर उस मंत्र को 108 बार कर ले और हम आसन पर जाकर बैठकर केवल 5 बार उच्चारण करते हैं तो महाकाली हमारी रक्षा करने के लिए आएगी, ऐसा मंत्र मैं रात के 10 बजे दूंगा, तब तक के लिए भजन हो जाए, आशीर्वाद देता हूँ। इससे पहले कि मैं कोई कार्यक्रम करूं, मैंने जैसे सुबह कहा है नारायणपेट के ज्ञानेश्वर गौड़ जिन्होंने तेलुगु में बहुत सारे सुंदर भजन लिखे हैं, चाहे मेरे नाम पे हो और उनके ऊपर हो, ये बात अलग है कि मैं, मेरी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन ज्ञानेश्वर गौड़ शिष्य का कार्य पूर्ण कर रहे हैं, मैं उनके शिष्य के कार्य की सराहना करता हुआ, उन्होंने कुछ गीतों को लिपिबद्ध किया है, ज्ञानेश्वर गौड़ को यहाँ सभा में आने की जो चाहते हैं उनको इन पुस्तकों में